जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे डी ग्रुप का एग्जाम नजदीक आ रहा है और मुझे पता है कि आपका टेंशन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि आप बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं और अभी भी आपको लगता है कि मैंने कुछ तो पढ़ा ही नहीं। और जब एग्जाम देने जाते हैं तो लगता है कि मेरा दिमाग ही पूरा खाली है। एग्जाम देने के बाद जब आप आते हैं तो कहते हैं, यार थोड़ा सा और पढ़ लेता तो मेरा एग्जाम निकल जाता है। लेकिन अब आपके पास समय कम है, अब आप कितना पढ़िएगा, कैसे पढ़िएगा, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जब एग्जाम का जब समय नजदीक आ जाता है तो आप बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश ना ही करें तो बेहतर है। जैसे कि अपनी गलती मैं बताता हूँ, मैं भी जब एग्जाम देता था तो क्या करता था कि बहुत सारे किताब को खरीद कर और पढ़ना शुरू कर देता था, बहुत अच्छे अच्छे राइटरों का किताब। और पता चलता था कि मैंने अगर अक्रिय गैस यहाँ देखा, दूसरे किताब में अक्रिय गैस नीचे देखा, तीसरे किताब में कहीं ऊपर देखा, और वो दिमाग में धूमिल बन जाता है। यानी वो कुछ याद तो होता नहीं है, बस पढ़ते ही जाते हैं हम लोग। बाद में हम लोग क्या करते हैं, इतना पढ़ जाते हैं और उसके बाद जब एग्जाम देकर आते हैं तो हम लोग कोई छोटा सा बुक उठा कर देखते हैं या कोई ऐसा बुक उठा कर देखते हैं कि हमें देखना चाहिए था, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता है कि वहाँ से एग्जाम में आएगा। और इत्तफाक से वहीं से बहुत सारा क्वेश्चन आपका टकरा जाता था, लड़ जाता था। फिर बाद में गलती होता था कि यार हम लोग अगर यही देख लेते, हम लोग इतना झुटमुट का पढ़े और पढ़ना बेकार था, अगर यही देख लेते तो कुछ क्वेश्चन तो लड़ जाते। तो आइए अब बात करते हैं कि रेलवे डी ग्रुप अगर निकालना है और बहुत कम समय है, आप मेहनत नहीं भी कर पाए हैं, तो आप एग्जाम निकाल सकते हैं। इसका उपाय मैं अभी बताने वाला हूँ। देखिए, मैं जीएस पढ़ाता हूँ, मैं जीएस के बारे में ही बात करूँगा। इसलिए जैसे कि आपको रेलवे डी ग्रुप में आपका 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक तो आपका करेंट अफेयर्स आएगा और दूसरा आएगा आपका जीएस से, यानी साइंस से आएगा, जनरल स्टडी नहीं, जनरल साइंस से आएगा। अब 25 नंबर यहां से और 25 नंबर यहां से, मेरे ख्याल से आपका रीजनिंग तो ठीक जरूर होगा और मैथ पे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस का चीज है, आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं तभी हो सकता है। अब इनको निकालना है तो क्या करें, पहले इसकी बात करते हैं। मुझे पता है कि भूगोल इतिहास का बहुत सारा डाटा है, हम लोग याद कर लेते हैं, लेकिन जब साइंस की बारी आती है तो हम लोग थोड़ा साइंस में धोखा खा जाते हैं, यानी मतलब इतना याद हो नहीं पाता है। तो इसको कैसे कवर करें, देखिए मैं कोई किसी किताब का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक किताब का नाम बता रहा हूँ, जैसे कि सामान्य विज्ञान एक किताब आता है, लूसेंट प्रकाशन का है, आप नया वाला आया, इतना लंबा चौड़ा 100 रुपये का मिलता है, सिर्फ 100 रुपया। उसमें देखिएगा फिजिक्स पढ़ाया हुआ है, पूरा डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया हुआ है, तो वो आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि अभी समय बहुत कम है। जो फिजिक्स पूरा पढ़ाने के बाद आपने आप देखिएगा कि पीछे में 400-500 क्वेश्चन है, फिर केमिस्ट्री पढ़ाया हुआ है पूरा, और फिर उसमें भी 400-500-600 क्वेश्चन है, और फिर उसी तरह से बायो का करीब 800-900 क्वेश्चन है, लगभग आपका 2000 क्वेश्चन है, और इन्हीं 2000 क्वेश्चन को कवर करना है। अब कवर करें तो कैसे करें, देखिए अगर मैं बोलूँ आपको कि ये 2000 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, टिक मार दीजिए तो याद हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। आपका एक उपाय करना पड़ेगा, आप अकेले होंगे तो 2-3 दोस्त को पकड़िए, करीब करीब 4 दोस्त अगर हो जाते हैं तो बेहतर है। 4 दोस्तों को बोलिए कि आप भौतिक का करीब करीब 200 क्वेश्चन आप रात को देख लीजिए, सुबह क्या कीजिएगा उसी का फोटोकॉपी कराकर चारों दोस्तों में बांट लीजिएगा, यानी आपने रात को पढ़ा है उसी क्वेश्चन को और वही क्वेश्चन आप सुबह में टिक मार रहे हैं। अब ये देखना है कि आपका जो रात का पढ़ा हुआ चीज सुबह में कितना याद रहता है, तो नेचुरल है कि आप 150 क्वेश्चन अगर याद किए होंगे या 200 क्वेश्चन याद किए होंगे, उसमें से 180 क्वेश्चन आप सही कीजिएगा, 20 क्वेश्चन आप सही नहीं कीजिएगा। मेरा मोटो आपका चीटिंग करना नहीं है, मेरा मोटो बस यही है कि एक क्वेश्चन को आप 2 बार देखिए, एक रात को स्टडी कीजिए और सुबह में उसका अपने दिमाग का देखिए कि हमने कितना रिकवर किया। अब इसका फायदा क्या है, 200 क्वेश्चन 2 बार देख लिए, अगर उसमें से एक क्वेश्चन भी अगर आपके एग्जाम में आता है, मान लीजिए 2 क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो उसी क्वेश्चन को आपने कितने बार देखा, 3 बार, तो नेचुरल है उसका जवाब आप सही दीजिएगा। और उस किताब में आप देखिएगा जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं, वही सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही रखा गया है। और ये आप जान लीजिए कि
जो क्वेश्चन जो है ना वो बन चुके हैं, बहुत पहले से बन चुके हैं, 30-25 साल से एग्जाम हो रहा है, आपके लिए कोई नया क्वेश्चन सेट नहीं करने वाला है, वही क्वेश्चन को घुमाकर आपके एग्जामों में देता है। सोचने वाली बात है। अब जब वही क्वेश्चन घुमा के दे रहा है तो यानी पहले ना पहले कहीं ना कहीं एग्जाम में आया है, और एग्जाम में आया है तो उस किताब में भी है। तो आप अगर प्रतिदिन 200 क्वेश्चन को टारगेट कीजिए और रात को पढ़िए सुबह टेस्ट ग्रुप के साथ, ग्रुप जरूरी है, और फिर ऐसे करके आप 2000 क्वेश्चन को आप खत्म कर दीजिए। क्या है कि पूरा साइंस आप 20 दिन में या 6 महीना में भी जल्दी खत्म नहीं कर पाइएगा, लेकिन 2000 क्वेश्चन को 7 दिन के अंदर आप खत्म कर सकते हैं। अगर उसमें से आपका 15-20 क्वेश्चन भी आकर लड़ गया तो आपका ये वाला आसानी से निकल जाएगा। तो ये उपाय पहले कीजिए, कम समय है, अगर आपका समय बर्बाद ना हो। क्योंकि देखिए, अगर पढ़ाई से अगर आपको बचना है ना तो इतना पढ़ लीजिए कि 2-3-4 साल ना पढ़ना पड़े। अब आते हैं करंट अफेयर पे। अब करंट अफेयर पे क्या करें, तो आप ऐसा कोई पुस्तक उठाइए जो 6-7 महीने का आपका पूरा संग्रह। अब उसमें आप टॉपिक बाय टॉपिक देखिए कि कहां से आता है, जैसे कि नियुक्ति से 1 या 2 या 3 क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल। उसके बाद खेल, खेल में देखिएगा आगामी खेल का आयोजन से एक क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए मैंने इसका वीडियो बहुत पहले ही डाल दिया है। आगामी खेल जैसे 4-4 साल पे खेल हो रहे हैं तो कहां होने वाला है, ये वहां से क्वेश्चन आ रहा है। प्लस अभी हाल ही में फीफा कप हुआ है, राष्ट्रमंडल हुआ है, इन खेलों के रिकॉर्ड को आप जरूर याद कीजिए। प्लस लॉन्ग टेनिस जैसे कि यूएस ओपन, विमेंस ओपन किसने जीता, जैसे कि अभी यूएस ओपन में ओसाका ने जीता, पहली जापानी महिला है, इन्होंने जीता। इस तरह का रिकॉर्ड पे भी आप ध्यान रखिएगा तो आप खेल से भी कुछ क्वेश्चन आराम से कैच कर सकते हैं। प्लस आपका नए राइटर, जैसे कुछ ऐसा कोई राइटर अभी हाल ही में कोई राजनीतिक फील्ड से हो, जैसे कि अरुण जेटली जी ने क्या कहा, मोदी जी ने कौन सा किताब लिखा, ऐसा कोई किताब देखिएगा तो उनको आप टारगेट करके याद कर लीजिए। प्लस सम्मेलन, प्लस सूचकांक, इस तरह के छोटे छोटे टारगेट बनाकर करेंट अफेयर को पूरा का पूरा खत्म कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो इसमें से भी आप 20 क्वेश्चन 20 नंबर का आप बना सकते हैं, और 20-20-40, और आपका रीजनिंग अच्छा है तो रीजनिंग बनाइए, और मैथ भी अच्छा है तो थोड़ा सा मैथ भी बना सकते हैं, तो आराम से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं इतना कम समय में। 7 दिन मेरे ख्याल से काफ़ी है, और 7 दिन में नया कुछ पढ़ने की कोशिश ही मत कीजिए। जहाँ कोशिश कीजिएगा तो आप पक्का फ्लॉप होइएगा। अगर मेरे बातों पर विश्वास करते हैं तो आप जरूर लगिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य कुछ और नहीं, मेरा उद्देश्य बस यही है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूअर हैं, जो मुझे कंटिन्यू मैसेज करते हैं, जो मेरे विश्वास करते हैं, उन मेरी बात को थोड़ा एक बार विश्वास करके मानकर ये काम कीजिए। और मान लीजिए ऐसे भी अगर आप पढ़े हुए हैं तो एग्जाम तो निकल ही जाएगा, और नहीं पढ़े हैं तो कहीं इत्तेफाक से निकल जाए, यही तो कोशिश किया जाता है ना। क्योंकि मान लेते हैं अगर आज ये पढ़ रहे हैं, फिर अगले साल कोई एग्जाम आएगा, फिर अगले साल आएगा, 4-5 साल बहुत लोग हिम्मत तोड़ देते हैं और फिर एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं और अपना जो टारगेट वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि अब से आप कोशिश कीजिए कि 7 दिन में कोई एकदम प्लान के अनुसार वर्क करें और एग्जाम को क्रैक कर सकें। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।